नमस्कार, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग्स टीम से। हम आज पढ़ेंगे तारकम सारदयान द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के बारे में। पहले हम जानते हैं इस लेखक के बारे में। तारकम सारदयान जी एक अर्मेनियन अमेरिकी थे। वो तुर्की में, उनकी पैदाइश तुर्की में हुई थी और उनके पिता के द्वारा उनको अगाध ज्ञान मिला था। वे एक आध्यात्मिक लेखक हैं और अपनी संस्कृति की सही विश्लेषण करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हुई हैं। उनकी कृतियाँ 170 से ज़्यादा पुस्तकें हैं और संगीत के टुकड़े उन्होंने और व्याख्यान किया हुआ है। तारकम सारदयान जी, ये जो किस्त पुस्तक हैं कर्म और पुनर्जन्म जो लिखी हुई है, ये पुस्तक बहुत सुंदर है। शायद हम सबके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो सवाल रहते हैं ज़िंदगी से, जो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, ये क्यों हुआ, जो हमारे क्वेश्चन जो सवाल होते हैं, शायद उन सारे सवालों के जवाब इस किताब में हमें मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किताब। पुस्तक शुरू हुई है एक कहानी से, तो वाटर पिचर या पानी का घड़ा। ये एक तारकम सारदयान जी के एक छात्र ने लिखा हुआ है। कहानी कुछ इस प्रकार है। गुरु ने छात्र को एक मटकी दी और कहा, एक फवारे से पानी भर ले आओ। जो फवारा उनके आश्रम से आधा माइल दूर था। छात्र घड़ा उठाए चल दिए और जाकर वहाँ पे पानी भरे। घड़ा भारी था और उन्होंने उसमें पानी भर के घर की तरफ, अपने आश्रम की तरफ चलना शुरू किया। पर जैसे ही उनके शुरू किया, उन्होंने तब देखा कि घड़े में काफ़ी सारे छेद हैं, जिसमें से गरारे पानी का रिसाव हो रहा है और मटकी खाली हो रही है। तो एक हाथ से उन्होंने पानी का रिसाव रोकने की कोशिश की और दूसरे हाथ से मटकी उठाते हुए चलने की कोशिश की। उन्होंने जब पहुंचे आश्रम में, उन्होंने देखा उसमें तो पानी बस 2 इंच ही बाकी रह गया था। तो उनको देखते ही गुरु ने पूछा, क्या पानी ले आए? तो उन्होंने कहा, हाँ पानी तो मैंने पूरा भरा था, पर काफ़ी सारे छेद थे इसमें, तो अभी बस 2 इंच ही पानी रह गया है। इस बात पर उनके गुरु ने बहुत ज़ोरों से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, यही तो होता है उन सभी लोगों के साथ जिन्हें यह ज्ञान से भरा हुआ मटका दिया जाता है, लेकिन जो उनके दरारें हैं या छेद है, उसमें से वो पानी बह जाता है। तो शिष्य ने पूछा, ये दरारें क्या हैं गुरुजी? तो उन्होंने कहा, ये दरारें जो हैं आपके भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, घृणा, स्वार्थ, सांसारिक इच्छाएँ, पाखंड और घमंड है। यह किसी भी इंसान रूपी घड़े में अगर ये सब छेद हो, भले ही उनको कितना भी ध्यान दिया जाए, ज्ञान कितना भी मिले, उनका घड़ा भरा हुआ नहीं रह पाता है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा नहीं रह पाते हैं। तो हमें इस ज्ञान का फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपने ये छेद भरना होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से में, जहाँ पे लेखक ने डेफिनेशन या फिर व्याख्या किया है कर्म का। कर्म क्या है? इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, कर्म इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ नेचर और द रिएक्शन ऑफ नेचर टू आर एक्शन। यहाँ पे हम समझते हैं नेचर क्या कहते हैं। नेचर किसे कहते हैं? नेचर का मतलब है प्रकृति। प्रकृति जो सारी तरह की ऊर्जाओं से लेस है, हमारा जो। और कर्म किसे कहते हैं? कर्म चारों प्रकार हो सकते हैं। वो या तो हो सकता है आपका शारीरिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, या फिर नैतिक हो। और यहाँ दूसरा, अभी नेक्स्ट वर्ड आता है आपका रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन यहाँ पे कहा गया है इज़ एन एक्शन अगेंस्ट यू। आपके कर्म, आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपके खिलाफ एक कार्रवाई है। और रेस्पॉन्स क्या है? इट्स एन एक्शन दैट बेनिफिट्स यू। वो एक तरह का प्रतिक्रिया है जिससे आपको लाभान्वित करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपने कोई अपराध, हम आप कोई अपराध करते हैं, तो वो अपने आप में एक दंड है। वो हमारे लिए, हमने एक दंड मुकर्रर किया हुआ है
और एक कोई अगर दयालु काम करते हैं या फिर कोई परोपकारी काम करते हैं वो हमारे लिए खुशियाँ लाती है। फिर अभी इस समय समझा, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, भले ही आप जितना भी अच्छा करें लोग आपके साथ बुरा ही करते हैं। ये जो कथन है ये एक बहुत जटिल कथन है, इसमें इसका हमें अंतर्निहित अर्थ को समझना होगा। हमारा कार्य का महत्वपूर्ण बिंदु ये नहीं है कि ये काम किस तरह का काम हमने किया है, उसके पीछे का हमारा मकसद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे करने का जो सही मकसद, अंदर ही अंदर जो हमारा मकसद है वो सबसे महत्वपूर्ण है उस काम का। अगर हम मापदंड रखें तो वो समझने के लिए मकसद ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई इक्कद का अच्छा काम कर दिया या फिर आपने कोई एक हमने कोई एक अच्छा कर्म कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अच्छाई के बराबर हो गया, और ना कि हमने कोई एक बुरी दिखने वाली एक कोई भी हमने काम किया है उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि ये भ्रष्टाचार, आंतरिक भ्रष्टाचार का प्रमाण है। मतलब काम कैसा भी दिखे, भल अच्छा दिखे या बुरा दिखे, असली बात है या जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका कर्म का हमारा मकसद क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम पुस्तक की जो इंट्रोडक्शन से शुरू करके सारे जो 34 चैप्टर्स दिए गए हैं हम उनकी पढ़ाई शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।